जैसे राम भाई लोग, आज मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ एक नई कविता लेकर। मेरा मकसद आपसे लाइक और सब्सक्राइब पाना नहीं है, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैंने 2023 और 24 तक बीते सफर में अपना क्लास टाइम बिताया है, मैं इसके ऊपर एक नई कविता लिखा जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आपसे बस यही आग्रह है कि आप उन्हें ध्यान से देखें। और मैं क्या ही कहूँ, ये कहूँगा जो मैंने क्लास टेन का सच्ची अनुभव और विचारों के द्वारा मैंने अपने एडिल सोसाइटी हाई स्कूल कदमा, जो कदमा में है, कदमा झारखंड में है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें अपने मैंने एक समय हर बिताया हुआ समय और लोगों के ऊपर एक अद्भुत कविता लिखा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरी कविता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं और मेरा समर्थन करें। धन्यवाद। कविता का नाम का हम में से किसी को नहीं था इंतजार, आंखें मीच कर कहना पड़ रहा है आ गया वो पल मेरे यार। इस तने बगीचे में चाहता हूँ कुछ और फूल उपजाऊं, कि इस तने बगीचे में चाहता हूँ कुछ और फूल उपजाऊं। मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप सभी को आखिरी कविता सुनाऊं। आलू बैगन लौकी पटल भिंडी सब मिलेंगे मेरे क्लास में, वजन सिर्फ 1 किलो कि आलू पटल बैगन लौकी भिंडी सब मिलेंगे मेरे क्लास में, वजन सिर्फ 1 किलो। शुरू करे कविता, चलो। कब से हम सभी कर रहे थे इस दिन की तैयारी, कि कब से हम सभी कर रहे थे इस दिन की तैयारी, पर आज छूट रही है यारी। सबकी तरह मेरी भी है इन स्कूलों की यादें प्यारी। घूमते घूमते स्कूल की बिल्डिंग में एंट्री करते ही अधिकतर के शुरू हो जाते हैं ठाट, घूमते घूमते स्कूल की बिल्डिंग में एंट्री करते ही अधिकतर के शुरू हो जाते हैं ठाट। सभी को एक बार फिर से याद दिला दूं, हमारा क्लास 10A है इन रूम नंबर 8। स्कूल में जम के तैयारी करते थे हम एनसीसी की, परेड के दौरान पहनते हम खाकी है। स्कूल में जम के तैयारी करते थे हम एनसीसी की, पहनते हम परेड के दौरान खाकी है। रुको, कहां जा रहे हो तुम सभी मेरे प्यारे लॉलीपॉप क्लासमेट्स का इंट्रोडक्शन अभी बाकी है। सभी को खुश कर देती अपनी क्लासिकल नृत्य से, हर कल्चर प्रोग्राम में उसकी आवश्यकता होनी है, कि सभी को खुश कर देती अपनी क्लासिकल नृत्य से, हर कल्चर प्रोग्राम में उसकी आवश्यकता होनी है। करती मीठी मीठी बातें है उसकी बड़ी हाइट, अपने पैशन से ज्यादा पढ़ाई की वैल्यू नहीं देती वो सलोनी है। आ रहे बोर्ड एग्जाम हम सबके, उसके माथे पर नहीं है कोई सिकन, न जाने वो कब से फ्री है। आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम हम सबके, उसके माथे पर नहीं है कोई सितन, न जाने वो कब से फ्री है। जब भी पास से गुजरता हंसते हुए कहती थी, है पीयूष मारेंगे तेरे को, कहने वाली प्यारी भागीश्री है। गोल गोल है घुंघराले बाल, परेड करते हैं वो इन मस्त चाल, कि गोल गोल घुंघराले बाल, परेड करते हैं वो इन मस्त चाल, फुटबॉल और ड्रिल में है वो कमाल। मेरे पहले एनसीसी गाइड 9B के, बियर खाता है पियर, कि मेरे पहले एनसीसी गाइड 9B के, बियर खाता है पियर, वो सुमिल भाई है जिसको कहते हैं हम सीनियर। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्या बात है आका, कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्या बात है आका। खूब मस्ती करता है हेमंत के साथ, बातें करता है ऐसे जैसे पुआ पकौआ, खूब मस्ती करता है हेमंत के साथ, बातें करता है ऐसे जैसे पुआ पकौआ, नाम शिवम है पर कहते हैं सब उसे बउआ। बारिश गिरती है झमझमाझम, कि बारिश गिरती है झमझमाझम, सभी खेलते हैं टम टमाटम। घरों से निकलता है अब ब्रेड और बटर, घरों से निकलता है अब ब्रेड और बटर, निशा और बाकी लड़कियों के बात करने का अंदाज है चटपटा। अब जिनकी बात मैं सुना रहा हूँ वो है हजारों में एक, अब जिनकी बात मैं सुना रहा हूँ वो है हजारों में एक, जितनी तारीफें करूँ उतने कम है, वे है इतने नेक। है वो प्यारी न्यारी भी है, है वो प्यारी न्यारी भी है, बातें करती है वो मीठी मीठी, खाती गर्मी में क्यारी भी है। बातें करने से उससे ऐसा लगता है उत्साहित हो जाता हूँ कि जैसे पाली जीत है, कि बातें करने से उससे ऐसा लगता है इतना उत्साहित हो जाता हूँ जैसे पाली जीत है,
समझाते बताते वो गाती रहती गीत है, अब क्या ही कहूँ उसके बारे में, वो लवली थी। उसकी बातें करते खुशी से खिल उठती है जमीन, कि उसकी बातें करते खुशी से खिल उठती है जमीन, सच में वो है सबसे हसीन, मदद और उत्साहित करने में वो कभी पीछे नहीं हटती, इतनी खूबसूरत और दिल से साफ है मेरी समरीन, जोश भर देता है हम सबके दिलों में, शंकर इतना अतरंगी उसका काम है, कि जोश भर देता हम सबके दिलों में, शंकर इतना अतरंगी उसका काम है, पूछे आईपी सर सभी से क्या है जो बउआ भी लिख लेगा ब्लैक बोर्ड में, सीधा और सटीक जवाब है उसका, वो जय श्री राम है। दोस्ती भी न्यारी है, निभानी भी यारी है, कि दोस्ती भी न्यारी है, निभानी भी यारी है, सुख हो या दुख, रोनित और सोनू की लगती मित्रता प्यारी है। ये शख्स है मेरे दिल के बहुत पास, इसकी संगति बहुत अच्छी है पूरा विश्वास, कि ये शख्स है मेरे दिल के बहुत पास, इसकी संगति बहुत अच्छी है पूरा विश्वास, आप खुद व खुद उत्साहित होते रहोगे, कि आप खुद व खुद उत्साहित होते रहोगे यदि आप रहते हैं इनके पास, इसलिए मुझे इनसे इतना प्यार है, कि इसलिए मुझे इनसे इतना प्यार है, ये और कोई नहीं सोमनाथ मेरा जिगरी यार है, शरीर से है हस्त पुष्ट, बदन से है फुर्तीला, शरीर से है हस्त पुष्ट और बदन से है फुर्तीला, मन से कोमल और चंचल है पर बातों से है रंगीला, कठोर शारीरिक परिश्रम करके इसने अपने आप को इस काबिल बनाया है, कब्जा है उनका सभी बैकबेंचर्स के दिलों में, वे करते हैं राज, कि क्लास के पीछे कब्जा है उनका सभी बैकबेंचर्स के दिलों में करते हैं वे राज, एक नंबर के मजाकिया शार्प माइंड वाले है रोहन भाई, जिन्हें कहते हैं हम प्यार से महाराज, रंग बिरंगे फूलों के सामने बहती है नदियाँ लहराते हैं घास, कि रंग बिरंगे फूलों के सामने बहती है नदियाँ और लहराते हैं घास, बातों में है वो माहिर बहुत, पर एक अजीब सा होता है एहसास, कभी लगता है कर रहा हमें उत्साहित वो, कभी हमारा व्यंग उपहास, कि कभी लगता है कर रहा हमें उत्साहित कभी हमारा व्यंग उपहास, पर जो भी हो वो भी है मुझे प्यारा, क्योंकि हम हैं एक दूसरे के लिए हमेशा खास, इस बंदे में कूट कूट के भरा है आत्मविश्वास, कि इस बंदे में कूट कूट के भरा है आत्मविश्वास, नहीं करते किसी को निराश हुआ है विकास। क्लास 10 का सफर था मेरा पैदल, कि क्लास 10 का सफर था मेरा पैदल, राहों में आई काफी मुश्किलें, होती रही काफी हलचल, थामा उसने मेरा हाथ, साथ था उसका मानो देवदार की छाया, थामा उसने मेरा हाथ, साथ था उसका मानो देवदार की छाया, हर मोड़ पर जहां मैं फंसा, बादल ने हमेशा हाथ बढ़ाकर मेरा साथ निभाया, हर दिन क्लास में होती थी पढ़ाई, कि हर दिन क्लास में होती थी पढ़ाई, पर कुछ ही पीरियड्स हमें दिखती थी वो दिखाई, शायद उसके घर में प्लेट भर भर के रखा हो किशमिश और काजू, शायद उसके घर में प्लेट भर भर के रखा हो किशमिश और काजू, जब देखो व्हाइटनर से बेंच में लिखती ही रहती नाजू, हिबा की तरह ही उसमें उससे ज्यादा है अच्छाई, हिबा की तरह ही शायद उससे ज्यादा ही उसमें है अच्छाई, वो मदद करती सबकी है, उसके अंदर भी है थोड़ी भलाई, पहनती है चश्मा दूर का, बिना चश्मे के उसे मुश्किलों से देता है दिखाई, कि पहनती है चश्मा दूर का, बिना चश्मे के उसे मुश्किलों से देता है दिखाई, ये है प्यारी नाजिया जिसकी बताई है आपको सच्चाई, ये सारा साथ क्लास तक नहीं था मेरा, आगे भी क्लास के था अंधेरा, ये सारा साथ क्लास तक नहीं था मेरा, आगे भी क्लास के था अंधेरा, टेनबी के कुछ दोस्तों का साथ मिला सुनहरा, बातें हो रही है टेनबी की यारी 100 से 0 की, बातें हो रही है टेनबी की यारी 100 से 0 की, बताने जा रहा हूँ उनमें से कुछ हीरो की, है वह बिल्कुल नादान, बड़ी मुश्किलों से व्यतीत करता है अपनी दिनचर्या, है वह बिल्कुल नादान, बड़ी मुश्किलों से व्यतीत करता है अपनी दिनचर्या, हमेशा
हंसी रहती उसके चेहरे पर, रहता बेफिकर, ड्राइंग बनाता एक चोट, काफी है बढ़िया। ये गाथा है महान पर नहीं राजा चंद्रगुप्त मौर्य की, कि ये गाथा है महान पर नहीं राजा चंद्रगुप्त मौर्य की, ये बातें है हमारे स्कूल के प्यारे दोस्त सौर्य की। 9th C में बना स्कूल का पहला एक इस्लाम धर्म का प्यारा यार, 9th C में बना स्कूल का पहला एक इस्लाम धर्म का प्यारा यार, 10th B में आते ही मानता हूँ कम हो गई बातचीत, कम हो गया है प्यार, मैथ्स कैलकुलेशन में है काफी तेज, बातें करने में वो वाजिब है, कि मैथ्स कैलकुलेशन में है काफी तेज, बातें करने में वो वाजिब है, मदद करने के लिए रहता तैयार, हमेशा मेरी और सोमनाथ की, ऐसा संग दिल यार साकिब है। पूरा 10th B उसे जानता है, वो कला मूर्ति की आकृति है, पूरा 10th B उसे जानता है, वह कला मूर्ति की आकृति है, इतना मनमोहक गाती है, जैसे कंठ में विराजमान उसकी सरस्वती है, ऐसे तो काफी दयालु भोली और मित्रता करना उसकी प्रकृति है, ऐसे तो काफी दयालु भोली और मित्रता करना उसकी प्रकृति है, पढ़ाई के बारे में करती रहती वाद विवाद वो स्मृति है। बातों ही बातों में एक और याद ही याद आ गई, कि बातों ही बातों में एक और याद याद आ गई, बाहर खिलने से पहले एक बकरी फूल खा गई, बारिश होती है जमा न करने के कारण मीठा पानी चल जाता है इन गटर, कि बारिश होती है जमा न करने के कारण मीठा पानी चल जाता है इन गटर। अनु अनुराधा सानिया अनीता क्लास शुरू होते ही शुरू कर देती है अपनी चटर पटर, सुनाते सुनाते दोस्तों के बारे में लगता है बकरी और पूरी जनता सो गई, कि सुनाते सुनाते दोस्तों के बारे में लगता है बकरी और पूरी जनता सो गई, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, उठ जाओ, दोस्तों की वीर गाथा खत्म हो गई। अब वो पल आ गया है जिसका आना हमें रुला गया है, अब याद आ रहे वो सारे वादे हैं, क्लास 10 के हंसते हुए पल वो पुराने यादें हैं, क्लास के बच्चों का एक साथ स्कूल आना, आंखें बंद कर एक साथ प्रार्थना करना और सेट के नीचे बैठ कर एक साथ खाना खाना, वो बदलते मौसम, वो बरसात खाना, मेरा और सोमनाथ का चलते चलते खाना खाना, क्लास में टीचर का पढ़ाना, सानिया और बाकी लड़कियों का बेंच में सिर झुका कर टिफिन से पहले ही खाना, लड़कों का शोर मचाना, बिना मौसम के अनुराधा का गुनगुनाना, सानिया का बिना मतलब का सबका नौक दिखाना, मेरी और शंकर का उसके बातों को कुचल कर आगे बढ़ जाना, तुषार का उसके योगा के सफर का सार बताना, पीयूष का दौड़ में अव्वल आना, सोमनाथ और मेरे बीच के नाद, अक्सर पढ़ाई के बारे में हम करते रहते आपस में वाद विवाद, उसके यूं बातों का समझाना, मेरा उन बातों का हवा में उंगलियों से चित्र बनाना, हिंदी में डूबे सर का समझाना, बातों ही बातों में उनका मुस्कुराना, प्रसाद सर का मैथ पढ़ाना, अपने 30-35 वर्ष के शिक्षक बनने का सफर बताना, हम बच्चों को डांटना और हम पर प्यार जताना, गलती करने पर हमें कान पकड़ कर उठाना, तरुण सर का भूगोल समझाना, भारतीय मानचित्रों में अलग अलग चीजों को दर्शाना, उनके द्वारा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना, उनका मुस्कुराना और चकित होने पर चेहरे पर एक्सप्रेशन बनाना, दुखी को भी हंसमुख बनाना, क्लास के लड़के और लड़कियों के बीच गाने की प्रतियोगिता रखवाना, अमिता मैम का इंग्लिश पढ़ाना, ग्रामर के टाइम में सबका तुक्का लगाना, गोविंद सर का हिस्ट्री में हंसाना, संजीव सर का बउआ और हेमंत को चिढ़ाना, रंजना मैम का इकोनॉमिक्स पढ़ाना, पढ़ते वक्त झपकियां आना, चुप रहो सबको समझाना, रंजना मैम का क्लास 9 में हम सभी को सिविक्स पढ़ाना, चुप रहो बेटा फोकस करने दो वरना इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस हो जाएगा का टैग लगाना, उन्होंने हमेशा सभी को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया है, उन्होंने हमेशा सभी को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया है, आगे चलकर और बेहतर वक्ता बनूं इसके लिए मुझे ऑडिटर होने का मैम ने उपाधि दिया है, भानु मैम ने हमें तेलुगु भाषा पढ़ाया है, भानु मैम ने हमें तेलुगु भाषा पढ़ाया है, तेलुगु राज भाषा है आंध्र प्रदेश की, इसका महत्व समझाया है, भानु मैम बहुत प्यारी आदरणीय तथा है अनुभवी, भानु मैम है बहुत प्यारी आदरणीय
जैसे देवदार की छाया है उनकी छवि। अब अपनी वाणी को देता हूँ विराम इस क्लास टेने का, मैं केंद्र बिंदु हूँ। इस टेने क्लास का मैं केंद्र बिंदु हूँ। सभी को प्रणाम। मैं हिंदू। जय श्री राम।